dear students now we are to the end of this play this is the last lecture of this play act 3rd as we have been looking at that the secret of nora about the Forgery about the forced signature that she made were come to know by Helmer through the letter of krogstad. And then Helmer becomes very angry with Nora. He scolds her, he chides her, he also calls her liar, corrupt criminal even he says and these all abuses made nora very angry depressed frustrated and now she was completely she was completely angry and angry with herself as well as with her husband she doesn't want it. She doesn't want to live with her husband, even a moment. So here we will see that this is a shocking revelation to Nora when Helmers uh, comes to know about her secret. So Helmer's reactions to Krogstad's letter comes to Nora as a shocking, and she thought. ट पहले तो उसने ये सोचा कि हेलमर बिल्कुल भी क्रॉग स्टेट के सामने समर्पण नहीं करेगा उसके ब्लैकमेल से के चक्कर में नहीं आएगा और वो जो है कि उसकी डिमांड्स को फ्लैटली जो है कि एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और शी थॉट दैट हर हस्बैंड वुड स्टेन फॉर हर

वो अपने हस्बैंड के लिए किया है इसलिए उसके जो हस्बैंड है वो सारी लाइबिलिटी अपने कंधों पर लेंगे क्योंकि जो जो कुछ उसने किया वो उसके लिए ही किया था इसलिए जो है कि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाएंगे एंड ही वुड स्टैंड विद हर एंड देयरफॉर फॉर एवरी थिंग विल बी क्लियर ही वुड प्रोटेक्ट हर लेकिन हुआ उल्टा इसका कि जो हेलमर है वो उसको स्कोल्ड करता है उसको लायर कहता है उसको क्रिमिनल कहता है हेलमर ने अपना टेम्पर भी लूज किया और ड्रास्टिक डिसीजन अगेंस्ट हर लिया और बिना उसको एक चांस दिए हुए दैट शी कुड एक्सप्लेन हर सेल्फ द सर्कम्स इन विच शी डिड ऑल दीज थिंग्स एंड वी ऑल नो दैट शी डिड शी डिड ऑल दीज थिंग्स फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड ओनली not for herself. And अब उसके बाद में फिर से एक शौक लगता है शौक दूसरा ये है कि now we see that क्रॉग states another letter, second letter comes there in the hands of Helmer. And when we see the reactions of the Helmer here, and what was the second letter about that? Second letter में क्रॉग stated ने यह सब clear किया कि अब चूंकि Mrs. Linde और वो एक दूसरे के होने जा रहे हैं दे आर गोइंग टू मैरी और चूंकि अब ये मैटर इतना कोई विशेष नहीं है इसलिए नाउ ही हैज़ नथिंग एनी ही हैज़ नो लॉन्ग एर एनी ग्रज अगेंस्ट नोरा एंड हर फैमिली हर हस्बैंड और इसलिए अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ही ऑल्सो आस्क एन अपोलॉजी टू नोरा फॉर हैविंग रिटर्न हिज प्रीवियस लेटर एंड फॉर फॉर हैविंग ट्राइड टू ब्लैक मेल हर एंड हस्बैंड तो इस प्रकार का एक एक्सक्यूजिंग लेटर जो है कि क्रॉग स्टेट का आता है जिसमें वो एक्सक्यूज करता है माफ़ी मांगता है कि जो कुछ उसने पहले लिखा था वो सब गलत था उसका कोई इरादा नहीं है उनको ब्लैक मेल करने का और जब इस लेटर को हेलमर पढ़ता है तो हेलमर ओवर जॉयड हो जाता है ही फील्स ओवर जॉइड क्यों बिकॉज दिस लेटर पुट एन एंड टू ऑल द torments tormenting anxiety ही was एक्सपीरियंस जो कुछ उसको एंगजाइटी हो रही थी उसके दिमाग में जो तूफान आया हुआ था उसका अंत हो गया क्योंकि अभी क्लियर हो गया भाई क्रॉग स्टेट ने जो कुछ ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहा था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया इसलिए अब देर इज नो फियर एट ऑल फॉर देयर फैमिली और उसी समय जो है कि उसका जो एटीट्यूड है वो भी नोरा के प्रति थोड़ा चेंज हो गया और वो कहने लगा नोरा नाउ वी हैव नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एंड वी विल द क्राइसिस ओवर एंड दे हैव नाउ नथिंग टू वरी अबाउट ही ही आल्सो टेल्स हर दैट ही फॉरगिव्स हर लेकिन यह इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब कहते हुए भी हेलमर ये कहता है कि चूंकि अब एवरी इज नाउ ओपन क्लियर तो वो उसको माफ करता है सी एटीट्यूड देखिए आप इसमें एटीट्यूड की लड़ाई है एटीट्यूड का क्राइसिस है कि हेलमर को अपनी वाइफ नोरा के साथ में खड़ा होना चाहिए था वहाँ पे वो उसको स्कोल्ड करता है और जब चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ या नोरा ने जो है कि जो कुछ किया उसके लिए किया उसके बावजूद भी हेलमर ये कहता है कि वो उसको माफ़ करता है ही फॉर हर तो ये गलत है ना दिस ऑल्सो हर्ट नोरा कि भाई की इन फैक्ट शी हैड नॉट कमिटेड क्राइम एट ऑल दैट वॉज नॉट ए क्राइम दैट वॉज ए गुड थिंग दैट शी सेव्ड हिज लाइफ हर हजबेंड्स लाइफ शी डिड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड तो वहाँ तो उसके हजबेंड को हेलमर को माफ़ी मांगनी चाहिए कि नोरा आई एपोलोजाइजिस टू यू क्यों दैट यू हैव सेव्ड माई लाइफ दैट यू डिड एवरीथिंग फॉर मी ये होना चाहिए था लेकिन उल्टा हो क्या रहा है कि तुमने गलती करी लेकिन अब मैं उसको माफ करता हूँ एंड विल अगेन लव हर प्रोटेक्टर एंड गाइड हर थ्रू लाइफ और क्या वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा गाइड करेगा और लाइफ में लव करेगा वो ये भी कहता है फिर देखिए वो क्या कहता है कि शी इज़ हिज प्रॉपर्टी नाउ इन ए डबल सेंस क्या वो डबल सेंस में उसकी प्रॉपर्टी हो गई है क्यों हो गई है बिकॉज ही न्यू लाइफ आई हैविंग फॉर गिवन है उसको माफ करके उसने उसको दूसरी जिंदगी दिए इसलिए अब उसके ऊपर उसका डबल अधिकार हो गया पहले तो था ही दूसरा अधिकार और हो गया और सेकेंड वो क्या कहता है उसको किट ही विल लव हर एज हिज वाइफ एंड एज ए चाइल्ड कि वो उसको एक लाइफ एक वाइफ के रूप में लव करेगा और एक चाइल्ड तो उसको वो वाइफ भी कहता है और चाइल्ड भी कहता है और चाइल्ड के रूप में जो है कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा ही विल प्रोटेक्ट आर इफ शिवर हि चाइल्ड जैसे वो उसकी बच्ची हो उस प्रकार से बोले जो है कि उसको प्रोटेक्ट करेगा हेलमेर सारे जो ऑफेंसिव रिमार्क्स है वो सब भूल जाता है जो उसने नोरा के प्रति बनाए थे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट लेटर अब नोरा जो है कि इस सब के दौरान में इस सब कम्युनिकेशन वार्तालाप टॉकिंग जो उनके बीच में हो रही है इससे नोरा नाउ कम्स टू नो द रियल कैरेक्टर ऑफ हेलमर कि हेलमर का रियल कैरेक्टर क्या है हेलमर केवल नोरा को लेडी को वूमन को जो है कि अपने अपने अंडर में रखना चाहता है उसके ऊपर ओवर पावर रहना चाहता है उसको प्रॉपर्टी समझता है उसको कोई फ्रीडम नहीं देता है और उसके कोई विचार नहीं है उसका कुछ नहीं है जो कुछ है जो उसका राइट right है तो उसका बिहेवियर जो है कि वो क्रॉग स्टेट के फर्स्ट लेटर और उसके बाद में दूसरा लेटर है उसके बीच में उसका ट्रू कैरेक्टर जो है वो सामने आ गया और नाउ इट हैज़ बिकम वेरी क्लियर टू हर दैट ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हस्बैंड अर्थात उसका हस्बैंड बिल्कुल भी सेक्रीफाइस करने वाला नहीं है बिकॉज शी एक्सपेक्टेड दैट हर हजबेंड शुड हैव फॉर हर इन दैट मैटर वैनी केम टू नो द सीक्रेट अबाउट द फॉर्जरी दैट सपोज टू बी कमिटेड बाय नोरा और यह भी क्लियर हो गया उसको कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स उसके हस्बैंड के थे दे वर नॉट जेन्यूनली हेल्ड बाई हिम अर्थात जो मॉरल प्रिंसिपल की वो बात करता था वो बिल्कुल भी उन पर स्टूड नहीं रहा और उसको ये भी पता चला कि उसके जो मॉरल प्रिंसिपल्स थे वो सब होलो थे अर्थात बेकार थे खोखले थे और वो ही वॉज ओनली सेल्फिश सेल्फिश था कि उसका कुछ नहीं पहले प्रेस्टीज उसके इमेज टाउनों जा रही इसलिए वो नोरा को फटकारने लग गया उसको नोरा को स्कोल्ड किया नोरा से कुछ जैसे जैसे बोला और जब जैसे ही लगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है दूसरे लेटर आने के बाद में एवरी थिंग इज नाओ ओके तो उसके बाद में कह रहा है कि उसके ऊपर उसका अधिकार है तो ये प्रॉपर्टी समझ रहा है शी इज़ नाउ डिस्कवर्ड इज़ ईगोसेंटिंग नेचर एंड देयर फॉर नाउ शी हैज टेक शी टेक्स ए क्रूसियल डिसीजन एज फार एज रिलेशनशिप विद द हेल मैरिज का तो इसलिए अब इस पोजिशन पर आकर के नौरा ने और एक क्रुशियल डिसीजन लेने जा रही है जो हम देखते हैं और वो डिसीजन है टू लीव हर हस्बैंड एंड ऑल टुगेदर सो शी टेल्स एंड दैट शी हैज मेड हर माइंड टू लीव हिम ऑल टुगेदर शी सेज दैट ही इज नॉट द मैन शी हैड थॉट हिम टू बी शी आल्सो सेज दैट ऑलवेज ट्रीटेड हिम एज ए डोल वाइफ जस्ट एज हर फादर एज ट्रीटेड एज हिज बेबी डोल तो यहाँ वो क्लियर करती है कि बचपन में जब तक वो अपने फादर के यहाँ थी बिफोर मैरिज शी वॉज ट्रीटेड एज ए डोल बाई हर फादर एंड नाउ आफ्टर द मैरिज हर हस्बैंड इज़ ट्रीटिंग ट्रीटिंग हर एज ए डोल वाइफ सो शी हैज बीन ऑलवेज एक्टेड लाइक ए डोल शी हैज़ नथिंग ऑफ हर सेल्फ शी इज मूव एंड प्लेड बाई हेलमर जस्ट लाइक ए डॉल वो ये भी कहती है कि शी ऑलवेज एडोप्टेड हिज ओपिनियंस हमेशा उसने उसी की ओपिनियंस को एडॉप्ट किया उसके व्यूज़ को किया और उन सबके प्रति उसके टेस्ट के प्रति जैसे कोई वो उसकी एक लड़की अपने फादर की जैसी लड़की थी अर्थात अपने फादर को जैसे उसने कन्फर्म uh, किया उसके ओपिनियंस का डोड किया इसी तरह शादी के बाद में उसने उसको फॉलो किया एंड नाउ शी इज़ नो लॉन्गर प्रिपेयर टू कंटिन्यू टू लिव इन डोल्स हाउस इसलिए अब वो इस डोल्स हाउस में और अधिक नहीं रह पाएगी एंड दैट्स वी सी हाउ दिस टाइटल इज वेरी मच हाउस हाउस ऐसा हाउस जहाँ पे लेडी जहाँ पे वुमेन इज ट्रीटेड लाइक ए डॉल डॉल हैज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ऑन डॉल हैज डॉल कैन डू नथिंग हर इट्स सेल्फ फॉर हर सेल्फ सो इन द सेम वे हियर नोरा वॉज बींग ट्रीटेड एज ए डॉल इन हेलम हाउस एंड शी शी ऑल्सो डिस्कवर्ड हर ऑन आइडेंटिटी शी कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू टू एक्सेप्ट अनकोश्चिनली द आइडियाज एंड द व्यूज ऑफ सोसाइटी इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो बिल्कुल इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी जो सोसाइटी के ऐसे आइडियाज जिन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते और ऐसी बातें जिनको आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा उन सब को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड नाउ शी विल सर्च हर ओन आइडेंटिटी इसलिए वो कहती है कि शी वांट्स टू डिसकवर फॉर हर सेल्फ व्हाट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग शी वुड गो आउट इन टू द वर्ल्ड टू गेन First hand experience of life and to find out whether she is right or society is right. So, Abu will accept or And in order to have first hand experience of life, now she would go out into this world. She also tells her husband that he is treating her as his property and as a doll in a traditional way. That is a traditional way of treating a wife. But now she wants to find out.

और हेलमर तब उसको डिसेट करने की कोशिश करता है और ये कहता है नहीं नहीं अब एवरीथिंग विल बी ओके और तुम यहीं रहो ये तुम्हारा ही घर है सब कुछ तुम्हारा है उससे अपील करता है कि वो घर न छोड़े लेकिन नोरा हैज़ मेड अप हर माइंड एंड शी जेज दैट हर ड्यूटी टू हर सेल्फ इज़ ए मोर सेक्रेट देन हर ड्यूटी टू हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन कि अब उसकी ड्यूटी उसके खुद के प्रति जो है कि वो ज़्यादा पवित्र है और उसी को फॉलो करेगी बजाय कि उसकी ड्यूटी उसके हस्बैंड और बच्चों के प्रति इसलिए नाउ शी विल गो और इस तरह से शी लीव्स द हाउस हर होम हर हस्बैंड इवन हर चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश हर ऑन आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी इन द वर्ल्ड एंड इन ऑर्डर टू फॉर्म ओन आइडियाज एंड ओपिनियंस so our action is a symbol of the liberation of the individual from the traditional bonds and restraints under which the individual suffers. but more than that, the drastic step taken by nora was at that time a trumpet call to the women of the time to assert their rights and not to continue as the property of their husband. So, main isme, jo this is for the liberation of women from the clutches of men. This is the liberation of Nora from the clutches of her husband, Helmer. And in order to find her own identity, after all, she leaves the house just kicking the door behind. So, this is how we have seen this play. This is how the story of this play is. So, dear friends, you have to now focus first of all the theme of the play. Then you should have in your mind the detailed story of this play. And then you have to discuss and analyze the different characters. Character of uh, Helmer, character of Nora, basically two characters you have to see. And then you have to see other things also about the play. And that is the play is about the liberation, that is the play is about the emancipation. Uh, emancipation of women power etc or that is the play is a feminist play we can also discuss in this way so this is uh, all from me dear students and in our next uh, videos we will discuss the other things of uh, uh, either uh, Poems or something else from your syllabus. Till then, bye bye. Have a nice day. Thank you very much.